मेरे पास इनके लिए बड़ी खुशखबरी है। इन बड़ी खुशखबरियों में जेमिनी के बाद ये दूसरा बड़ा सितारा है जिसे मरकरी ने सपोर्ट किया है, और तालिब इल्म एक्यूरियस के लिए मरकरी की सपोर्ट आइडियली परफॉर्म कर रही है। एग्जामिनेशन हॉल में माइंड का सेट रहना, पावरफुली परफॉर्म करना, हेजिटेशन से बचे रहना, ये सब क्वालिटीज़ इस वक्त। अदरवाइज़ जो एडवांटेजेस हैं उनमें हिजरत एक बड़ा एडवांटेज है। इस वक्त इमिग्रेशन के बड़े, बहुत बड़े और ताकतवर उम्मीदवार हैं। हिजरत ऑल टाइप की, जॉब का एक जगह से दूसरी जगह स्विच करना, घर की तब्दीली करना, बैनुल-अक़वामी तब्दीली, मुल्क से बाहर जाना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ में से। इस वक्त ऑल टाइप ऑफ मीटिंग्स इन्हें सपोर्ट करेंगी, ऑल टाइप ऑफ मीटिंग्स, चाहे वो मीटिंग विद द बॉसेज हो, चाहे वो मीटिंग विद द जो इनके एम्प्लॉई हैं उनके साथ हो, ये सपोर्ट करेगी। इनके मुंह से निकले हुए बात लोगों की बातें लोगों के दिलों पर असर करेंगी। अगली खबर ये है कि लीगल सिचुएशंस को सॉल्व करने, ऑल टाइप ऑफ लीगल सिचुएशन उसको सॉल्व करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, स्टार सपोर्ट इनके लिए खुशबख्ती की वजह बन रही है। जो इल्ज़ामात, जो तोहमात इन पर लग चुकी थी उन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है। फिर ज़रिए माश में वर्किंग स्किल्स, जो इनके काम करने की सलाहियत है उसमें बढ़ोतरी आ रही है। अगर 7-8 घंटे पहले काम कर लेते थे तो अब 10-12 घंटे काम कर लिया करेंगे, तो ये भी एक तवानाई का पहलू है। फिर जॉब अप्लाई करने के लिए या जो अपना किसी का सहारा लेकर, जिसे थोड़े लफ्ज़ों में सिफारिश कह सकते हैं, वो भी इन्हें मुयसर आ सकती है। लोग इन्हें सपोर्ट कर देंगे, रिकमेंड कर देंगे, रिकमेंड कर देंगे। सिफारिश सही लफ्ज़ नहीं था उसके लिए। एंड आखिरी चीज़, ज़िंदगी को रीस्टाइल करने का ये सही टाइम है। रीस्टाइल, अपनी तर्ज ज़िंदगी बदलने का ये सही टाइम है, और सही तरीके से बदल भी पाएंगे। मशक्क़त ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। जब डेवलपमेंट का मूड ही खुद मूड बन गया हो तो फिर ज़िंदगी में चेंजेस लाना आसान हो जाती है। और अगर ज़बरदस्ती मूड बना हुआ नहीं है और बनाना पड़ रहा, फिर दोहरी कोशिश करनी पड़ती है। इस वक्त थोड़ी सी मेहनत ही इन्हें फ़ायदा देगी। ख़राबी की चीज़ों को, जो आदतें हैं और वो आदतें रिकवर नहीं हो रही, जबकि मैं हम लोग या एस्ट्रोलॉजर्स इनको बहुत अच्छा कह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हैं, अगर उसके बावजूद चीज़ें ठीक ना हो रही हों तो फिर ये एक्वामेरीन ज़रूर पहने, टर्मलीन ज़रूर पहने, ब्लू टॉपाज इनका एक ऐसा स्टोन है जो इन्हें बड़ा फ़ायदा देगा। ये ऐसे क्यूरियस पीपल के लिए है फई भाई, जो कोशिश के बावजूद अपने आप को ठीक ना कर पाते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा अपने आप को फ्यूल अप करें। ये येलो टॉपाज तो सुना था, ब्लू टॉपाज जो था ये कौन, उर्दू में क्या कहते हैं? टॉपाज सारे पुखराज होते हैं, पुखराज होते, लेकिन ब्लू टॉपाज का फिर वो अलग नाम उनके, ब्लू है तो दैट मीन्स नीला टॉपाज कहा जाएगा, नीला पुखराज। येलो सफायर इज डिफरेंट, सफायर इज़ अ फैमिली, इनफैक्ट सफायर टॉपाज ये फैमिली हैं पूरी, इसमें सिंगल कलर के स्टोन नहीं होते। कलर जितना हार्ड होगा, लाइक लो लाइट कलर्स स्मूद होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एंड डार्क कलर्स हाई होते हैं। रेड जो है वो फिर एक्सट्रीम कलर्स में आ जाता है, रेड जो है वो अनडाइजेस्टिबल भी हो जाता है, तो रेड टॉपाज भी पाया जाता है, लेकिन ब्लू टॉपाज बहरहाल बहुत खूबसूरत पत्थर है, फैशनेबल भी है। बिल्कुल